देखो भैया, 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं सही बात। पानी नहीं पिलाया और इतना तंग किया। किसानों के बारे में देखो, मैं पहले दिन यहाँ, पता नहीं हमारे नारायणगंज निवास के लोग हैं कि नहीं, नारायणगंज में भी बोला था निवास से है ना, बैतूल मैंने। निवास हाँ, से मैं पहली सभा मध्य प्रदेश की थी। है नहीं कोई? निवास से मैं था हाँ, मैंने नारायणगंज से। कहा कांग्रेस है और कमलनाथ, मैंने कहा ये जो कानून है इसे कानून के इस दायरे में आता नहीं है और इसलिए ये सब फर्जीवाड़ा है। एक आदमी का इसमें कर्जा माफ नहीं होगा। माफी खाली हो गई है? हाँ, मेरे पहला कारका में, फिर इसके बाद मैं नारायणगंज गया था, थोड़ा लेट गया था, तो विधायक वहां से ऐसा भगा, फिर मेरे को मिल गया भाई। मैंने वहां बात लोगों की नहीं सुन सकता, इधर आ गया कि जा रहा हूँ, मंडला कह दिया, और कहाँ चला गया? नारायणगंज। तो बात भी नहीं सुनना है, समझना भी नहीं है, तो इस प्रकार का है इन लोगों का एक। अब जैसे तैसे निकाल दिए और क्या है, 4.5 साल और महीना, 2-4 महीना और बचे और तो क्या। कल केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का एक बयान जारी हुआ, जिसमें सोशल मीडिया में हमने देखा, जिसमें किसान कर्ज माफी पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। कमलनाथ जी और मेरा नाम लिया, मुझे भी अब मेरे लिए भी अभद्र भाषा का उपयोग किया। मैं बताना चाहूँगा, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है और उस पर इनकी ये प्रतिक्रिया, निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे लिए और मेरे क्षेत्र के विधानसभा के सभी वोटर्स का एक सरासर अपमान है, कांग्रेस पार्टी का अपमान है। इस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनका हम विरोध करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इन्होंने अभी बयान दिया, ये कुछ महीने पहले भी इन्होंने जो 2 वक्त की रोटी के लिए जो मजदूर हमारे यहाँ से पलायन करके जाते थे, उनकी भी हंसी उड़ाते हुए उनको निठल्ला कहा, इस टाइप की शब्द उन्होंने उपयोग किया है। ये आम इनकी बातें हैं। इन्होंने कभी मंडला की जनता को गंभीरता से नहीं लिया, मंडला के विषयों को इन्होंने कभी गंभीरता से लिया नहीं है। 30 साल के राजनीतिक कैरियर में इन्होंने कोई भी विकास के जो आयाम हैं मंडला को नहीं दिया। इनकी जो निष्क्रियता और इनकी यही वजह है कि अपने गंभीर नहीं होने की वजह से मंडला जो विकास के लिए आज भी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रहा है। मुझे लगता है, मैं भी एक खुद जनप्रतिनिधि हूं, और ये सरासर एक राजनीति अलग विषय है, लेकिन अगर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए किसी के साथ राजनीतिक भाषा ठीक है, लेकिन इस टाइप की जो जो गाली देना, अपशब्द कहना, पार्टी के लिए कहना, कमलनाथ जी के लिए कहना, मेरे लिए कहना, इसको हम किसी भी स्तर पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुलस्ते जी की ये कैरियर है, लेकिन हमें लगता है कि हमारा मान सम्मान, हमारी पार्टी का मान सम्मान, जनता के वोटर्स का मान सम्मान, ये हमारे लिए अहम है। और हम कुलस्ते जी की इस जो अभद्र भाषा की हम निंदा करते हैं और इसका हम विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, पुतले दहन करेंगे।